फरवरी के स्तर के करीब पहुंचा शेयर बाजार, मार्च के मुकाबले 48% ग्रोथ, अब तक के उच्चतम स्तर से 9% कम। पटरी पर लौट रही है देश की अर्थव्यवस्था, जून में आईआईपी में गिरावट कम होकर 16.6% रह गई, मई के मुकाबले में 50% की कमी। इकोनॉमी में जान फूंकने के लिए सरकार जल्द ला सकती है एक और राहत का पिटारा, इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेंस पर बड़े खर्च की है तैयारी। मजदूरों, छोटे किसानों और सरकारी योजनाओं का फायदा लेने वालों के लिए सरकार जल्द लाएगी विशेष कर्ज सुविधा, पीएम की निगरानी में नीति आयोग कर रहा है काम। जुलाई में वाहनों की बिक्री जून के मुकाबले बढ़कर दोगुनी हुई, एसआईएम के आंकड़ों में किया गया है दावा। जुलाई में फास्टैग के 8.6 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए, बीते दो महीने के मुकाबले 54% की उछाल। इंफोसिस के फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति ने अर्थव्यवस्था में आजादी के बाद की सबसे बड़ी गिरावट की आशंका जताई, सरकार को दी सलाह जल्द से जल्द पटरी पर लाने के तरीकों का करें इस्तेमाल। इस साल आईटी और ई कॉमर्स के कर्मचारियों का होगा इंक्रीमेंट, टीम लीज के मुताबिक एयरलाइंस, ऑटोमोबाइल, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में सैलरी कट या छटनी की आशंका। एयर इंडिया ने 5 देशों की उड़ान सेवा के साथ ऑफिस भी किया बंद, लगातार बढ़ते घाटे की वजह से फैसला। शेल कंपनियों के जरिए चीनी नागरिक भारतीयों के साथ मिलकर कर रहे थे मनी लॉन्ड्रिंग, आयकर विभाग की कार्रवाई में 1000 करोड़ रुपए के हवाला ट्रांजैक्शन का खुलासा।